शुक्रवार की शाम दिग्रस से भंडारा की ओर जा रहे भंडारा के विधायक नरेंद्र भांडेकर का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें जख्मी हुए 9 में से 2 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा काफिले में शामिल संबंधित पुलिस स्क्वाड वाहन की खराब स्थिति से हुआ, या फिर वाहन चालक का नियंत्रण छूटने से हुआ, या फिर हद से ज्यादा तेज रफ्तार से हुआ, इन सवालों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। दिग्रस आर्नी रोड पर सावंगा गाँव के पास शुक्रवार की शाम 6:30 बजे के करीब भीषण सड़क हादसा हुआ। सूत्रों ने बताया कि वाय सुरक्षा हासिल शिंदे गुट के भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर के काफिले में शामिल एक पुलिस वाहन ने एक ऑटो और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 9 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर के मुंबई स्थित निजी सहायक संजय शेकोकर के पिता की 14वीं के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विधायक भोंडेकर दिग्रस से भंडारा के लिए निकले ही थे कि दिग्रस यवतमाल वाया आर्नी रोड पर सावंगा गांव के करीब पायलट गाड़ी टाटा सफारी क्रमांक MH 36-2272 के साथ उपरोक्त सड़क हादसा हुआ, जिसमें पायलट गाड़ी ने ऑटो MH 29W 9075 और दुपहिया वाहन MH 37Y 6564 को जोरदार टक्कर मार दी। इस आशय की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। इस सड़क दुर्घटना में ऑटो के साथ ही पायलट गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सूत्रों ने बताया कि इस हादसे के बाद चश्मदीद लोगों ने तत्काल एक क्रूजर वाहन से जख्मियों को दिग्रस शहर के ग्रामीण अस्पताल की ओर रवाना किया, जहां 2 व्यक्ति को उपचार के लिए यवतमाल रवाना किया गया है, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी आली तिथून आणि आम्ही ऑटो मध्ये होतो, गाडीने सर आम्हाला उडवलं, ऑटो पलटी झाला। गाडी आता कोणी अँबुलन्स म्हणत आहे, कोणी एसटीपी म्हणत आहे, ते ठाऊक नाही आम्हाला। ॲटोमध्ये किती जण होते? ॲटोमध्ये आम्ही किमान 7 जण होते। कुठे जात होते? आम्ही माहूरून येत होतो। माहूरून येत होते? सगळे एकाच गावचे होते का? कोणत्या गावचे? दिग्रसचेच होतो आम्ही। सूत्रों की माने तो इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वाय सुरक्षा से लैस किसी विधायक के काफिले में जो स्क्वाड वाहन शामिल थे, क्या वे बिगाड़पूर्ण थे? दूसरा सवाल, क्या यह भीषण सड़क हादसा क्षतिग्रस्त पुलिस स्क्वाड वाहन चालक का नियंत्रण छूटने से हुआ, या फिर वाहन चालक का नियंत्रण जब छूटा तो क्यों छूटा? क्योंकि सूत्रों की माने तो जिस पुलिस वाहन से ये दुर्घटना हुई है, वो वाहन विधायक महोदय के काफिले से काफी पीछे छूट गया था। उसके पीछे छूटने की वजह का कोई भी खुलासा अब तक नहीं हुआ है। बहरहाल पीछे छूटे वाहन टाटा सफारी वाहन चालक ने काफिले से जुड़ने के लिए बेहद तेज गति से वाहन की रफ्तार बढ़ाई, जिस वजह से उसका नियंत्रण छूट गया। ये जब हादसा हुआ तब विधायक भोंडेकर का काफिला काफी आगे था। सड़क हादसे के बाद विधायक महोदय के काफिले में शामिल लोगों ने नहीं, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दुर्घटना में जख्मी लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, ऐसी जानकारी भी सूत्रों से मिली है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।